नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप पे एक जोक फॉरवर्ड आया। किसी ने लिख के भेजा कि पेट्रोल जो है वो 7 पैसा सस्ता हो गया पर लीटर। तो मैंने जल्दी से 3 लीटर पेट्रोल भरवा लिया और मेरे 21 पैसे बच गए। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ उस 21 पैसे का। और फिर तभी मुझे ख्याल आया कि मुझे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड सही है। तो जिसने भी ये जोक लिखा है उसने एक तीर से दो शिकार किए। उसने दो दो चीज़ों पर व्यंग किया। एक तो उसने व्यंग किया पेट्रोल पर, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हुई हैं उस पर। और दूसरा व्यंग था जो पिछले करीब 1-2 सालों से म्यूचुअल फंड सही है का जो कैंपेन चलाया है फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ ने, छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। जब इस तरह के बड़े बड़े कैंपेन्स चलते हैं, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ चलाती हैं, तो ये तो ऑब्वियस है कि उनका खुद का कुछ उसमें स्वार्थ है, कोई उनका इंसेंटिव है, इसलिए वो इस म्यूचुअल फंड सही का कैंपेन चला रही है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें जो टोटल मनी इन्वेस्टेड है वो करीब 16 लाख करोड़ की थी एट द एंड ऑफ 2016, दिसंबर 2016 के टाइम पे। और जो टोटल पूरी मनी इन्वेस्टेड है सारे स्टॉक मार्केट में, विच इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और छोटे मोटे छोटे हमारे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो था 16 लाख करोड़ रुपए 2016 के एंड में। और 2017 दिसंबर 2017 में वो बढ़ के हो गया था 23 लाख करोड़ रुपए। ये कितना बड़ा अमाउंट है ये आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूं, क्योंकि इतना बड़ा फिगर है हमारे दिमाग में घुसता नहीं, हमको समझ भी नहीं आता कि ये 16-23 लाख करोड़ रुपए कितना होता है। तो इंडिया, भारत देश का जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है 150 लाख करोड़ रुपए। तो 150 और 23, समझ लीजिए कितना बड़ा परसेंटेज है इंडिया के GDP का। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इसमें क्या स्वार्थ है, क्या इंसेंटिव? आप देखिए तो म्यूचुअल फंड्स में टिपिकली अगर आपको मोटा मोटा हिसाब करना है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर साल म्यूचुअल फंड वाले आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 1% से 2% एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं, वो आपके इन्वेस्टेड इन्वेस्टेड अमाउंट में से कुछ परसेंटेज हर साल काट लेते हैं एज अ फी। तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो जो डेट फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड्स होते हैं, उनमें एक्सपेंस रेशियो कम होता है और इक्विटी फंड्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऑन एन एवरेज मान लीजिए अगर 1% है तो 23 लाख करोड़ का 1% होता है 23,000 करोड़ रुपए। 23,000 करोड़ रुपए हर साल ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है जस्ट एज अ फी, मतलब उनकी प्योर फी, अगर उनका फंड अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है, परफॉर्मेंस आ रही है नहीं आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 23,000 करोड़ रुपए हर साल उनके पॉकेट में जाते हैं सीधे सीधे। तो ऑब्वियसली है उनका इंसेंटिव है इस तरह के कैंपेन चलाना। तो क्या इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये जब कैंपेन चलाते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें तो बता देते हैं और छोटा सा डिस्क्लेमर भी डाल देते हैं कि मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। पिछले 2-3-4 सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है कैपिटल का, कैश का, मनी का। और उसका बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो बहुत सारी जो ब्लैक मनी थी, जो रियल एस्टेट में लगी हुई थी, यहाँ वहाँ लगी हुई थी, वो सब जो है वो लीगलाइज्ड होने के चक्कर में पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप ब्लैक मनी एक तरह से लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ रेगुलेटेड है, सब कुछ आपके आइडेंटिटी से, आपके पैन नंबर से कनेक्टेड होता है, बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होता है। तो वो एक रीज़न था, डिमोनेटाइजेशन एक रीज़न हो सकता है। फिर ये जो म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन चल रहा है पिछले 2 सालों से, उसके कारण भी इतना ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में। इंटरेस्ट रेट RBI ने घटा दिए हैं, तो जब भी इंटरेस्ट रेट का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे जब बैंक में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बैंक पर रख देते हैं, क्योंकि बैंक में आपको इंटरेस्ट रेट मिले। लेकिन जब बैंक इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वहाँ से रिटर्न्स कम हो जाते हैं, तो अब लोग जो है अपना पैसा निकाल के धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू करते हैं। और उसके ऊपर से रियल एस्टेट मार्केट भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है, गोल्ड में भी पिछले 3-4 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं आए हुए हैं। तो ये सारे रीजंस के कारण स्टॉक मार्केट जो इंडिया में है उसमें पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लो हुआ है। जब भी किसी फील्ड में अचानक से बहुत सारा पैसा बरसने लगता है तो ये होता है कि एक तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनीज आ जाती हैं जो उस बिज़नेस में घुसने लगती हैं, तो आपको नए नए म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे जो लॉन्च हो रहे हैं। हर 15-20 दिन में कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होगा। ये जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट्स रहते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, ये सब अपने अपने फंड्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि इन्फ्लो आ रहा है, इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, तो कहाँ जाए तो इनके फंड्स में जाता है।
जब भी पैसा बहुत बहने लगता है किसी इंडस्ट्री में, तब वहाँ से शुरू होता है जिसको बोलते हैं कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज ए इन्वेस्टर जानना ज़रूरी होती हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, करना भी है कि नहीं करना है। तो ये बात तो सही है कि म्यूचुअल फंड्स इक्विटी स्टॉक मार्केट में अगर आप हिस्ट्री देखें तो स्टॉक मार्केट के जो रिटर्न्स रहे हैं ऑन एन एवरेज इन लास्ट 30-40 ईयर्स, कि वो किसी भी दूसरे असेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे बैंक की एफडीज हो, उन सबसे ज़्यादा रहा है। हाँ, लेकिन वोलेटिलिटी होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज मैंने पैसा डाला तो कल के दिन मुझे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, जैसे एफडी में एकदम फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है ना, कि आपने आज पैसा डाला तो एक साल के बाद आपको पैसा ज़्यादा ही मिलेगा, ऐसा तो नहीं कि कम हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, नीचे ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी जो आप खरीदते हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए तो लोग थोड़ा सा डरते हैं। बट एनीवे, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो नॉर्मली आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलने जाएंगे या कोई म्यूचुअल फंड का सेल्समैन या कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आपको फंड खरीदने के लिए एडवाइस देने आएगा, तो वो ये सब चीज़ें आपको डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नहीं करे, कई बार दे डोंट इवन दे देमसेल्स डोंट रियलाइज़। और आजकल तो इतना ज़्यादा कॉरपोरेटाइजेशन हो गया हर चीज़ का, जस्ट लाइक हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री में भी हो गया। और मेडिकल इंडस्ट्री में तो कम से कम थोड़ी रिस्क होती है, अगर कोई डॉक्टर कुछ ऐसा गड़बड़ी करता है या कुछ गलत ट्रीटमेंट लग देता है, या तो वो मीडिया में बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाता है और उसकी रिस्क रहती है, डायरेक्ट रिस्क होती है, उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होती है। लेकिन फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ऐसा कुछ नहीं होता है, बड़ा सा कोई फंड होगा, हज़ारों करोड़ रुपए का कोई फंड होगा और वो अपने इन्वेस्टर का पैसा डुबो देगा और वो बस ये बोल के निकल जाएगा कि अरे ये तो स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, हमने तो पहले ही कहा था, और वो जाके दूसरा फंड लॉन्च कर देंगे और नोबडी विल नो। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ये डिसऑनेस्टी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस और भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ एंड वेयर वी इन्वेस्ट अवर मनी। सबसे पहले चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जब एक म्यूचुअल फंड होता है उसको कौन रन करता है, उसको रन करता है एक फंड मैनेजर। ये लॉजिक देते हैं म्यूचुअल फंड वाले कि हाँ, आपका जो पैसा है वो एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो फाइनेंस में, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन फाइनेंस, ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन स्टॉक मार्केट, वो आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसा पैसा कमाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है एक्सपेंस रेशियो, जो आपसे हर साल वो 1% 2% काटते हैं, वो उनका मेन, और वो उनका शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज लाइक ए लॉन्ग टर्म गेम। यू आर इन्वेस्टिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ ए कंपनी, यू आर इन्वेस्टिंग विथ 5-10 साल लॉन्ग टर्म के हॉरिजन से आप इन्वेस्ट करते हैं, रिटायरमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर होता है, उसको जो पैसा मिलता है उसको तो साल, उसके साल की उसको अपना बोनस मिलता है, उसको अपनी सैलरी मिलती है, वो कहाँ से आती है, वो आती है आपके एक्सपेंस रेशियो जो आप म्यूचुअल फंड वाले काटते हैं। तो मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उसको मेन, उसका मेन फोकस होता है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड का साइज़ बढ़ाया जाए, जिसको वो म्यूचुअल फंड की टर्म में बोलते हैं AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, ये बहुत कॉमन टर्म जो यूज़ करते हैं। तो एक अगर म्यूचुअल फंड है जिसने इन्वेस्टर से 100 करोड़ रुपए उठा के इन्वेस्ट किया है, तो उसका AUM हो जाएगा 100 करोड़ रुपीज़। अब दो तरीके हैं जिस तरह से वो, जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, एक ये कि वो 100 करोड़ है, उन्होंने अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो अगले साल वो बढ़ के 20% बढ़ गया, तो उनको 100 करोड़ पे 20 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ, अब वो तो इन्वेस्टर के रिटर्न्स हैं, तो 20 लाख जो उनका बढ़ा है उसका भी उनको 1% मिलेगा, तो 1 करोड़ का 1% मिला और 20 लाख का 1% मिला। लेकिन आपने देखा कि उस 20 लाख का 1% तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन 1 करोड़ जो है उसका 1% एक बड़ा अमाउंट है। तो म्यूचुअल फंड का जो मेन इंसेंटिव हो जाता है, उनका जो मेन फोकस हो जाता है, वो ये हो जाता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना AUM इकट्ठा किया जाए। लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न आएंगे तो आएंगे, इन्वेस्टर्स को मिलेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सारे म्यूचुअल फंड कंपनी, उनको तो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, आपस में जो कंपटीशन होता है म्यूचुअल फंड का, उसके कारण उनका पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फंड मैनेजर का जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म हो जाता है। ऑल दो ही इज़ इन अ लॉन्ग टर्म गेम, देर इज़ नो अदर वे, ही हैज़ टू फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का बस यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा AUM लेके आइए और उसका 1% 2% जो वो कमाते हैं, तो इसलिए वो मार्केटिंग ड्रिवन हो जाता है ये पूरा। इनफैक्ट जब म्यूचुअल फंड और फंड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का जो बिजनेस था, इट वॉज लाइक अ प्रोफेशनल बिजनेस, जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर का काम को हम ये नहीं बोलते कि वो बिजनेस चला रहा है, मेडिकल प्रोफेशन हम यूज टू से, वैसे ही फाइनेंशियल प्रोफेशन होता था। लेकिन आजकल जस्ट लाइक मेडिकल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का भी कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, एंड ऑल दे सी इज हर साल का कितना प्रॉफिट हो रहा है,
हमारे जो क्लाइंट्स हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, क्लाइंट्स कौन होते हैं? पेशेंट्स. और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्लाइंट्स कौन होते हैं? हमारे छोटे इन्वेस्टर्स. उनका बेनिफिट, उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये चीज़ पहली चीज़ समझनी है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लार्जली 95% म्यूचुअल फंड हाउसेस, ऐसा नहीं है, अच्छे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो समझते हैं इस चीज़ को और दे आर नॉट रनिंग ऑफ, जस्ट लाइक हर प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, हु आर ट्रूली कंसर्न अबाउट देयर क्लाइंट्स हेल्थ. फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जस्ट लाइक मेडिकल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ फंड हाउसेस हैं, हु आर रियली कंसर्न अबाउट देयर क्लाइंट्स. तो हमें उन, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो वी हैव टू फाइंड सच पीपल, वी हैव टू फाइंड सच फंड हाउसेज, सच फंड मैनेजर्स. बट कैसे पता चलें, कैसे पता करें? क्योंकि सब कुछ तो इतना ज़्यादा नॉइज़ है मार्केट में, हर कोई अपनी मार्केटिंग कर रहा है, सेल्समैन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हु इज़ रियली एक्चुअली कंसर्न अबाउट देयर क्लाइंट्स? जैसे मैंने बताया 23 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टेड हैं, तो देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट. हाउ डू यू फाइंड आउट कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, देर आर फ्यू वेबसाइट्स लाइक वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन और मॉर्निंग स्टार वगैरह हैं, जहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग्स मिल जाती हैं. वो रेटिंग एजेंसीज पे की जो रेटिंग है उस पर भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान, आप ध्यान में रख सकते हैं. पहला चीज़ तो ये है कि आज सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं, जैसे LIC एजेंट्स होते थे ना पहले, LIC बेचने के लिए मिडलमैन की तरह होते थे, आप जो भी प्रीमियम पे करते हैं उसका एक फिक्स्ड कट उनकी जेब में जाता था. ऐसे ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ लार्जली ड्रिवन बाई मिडलमैन, सेल्स पीपल. तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो उसको खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक तो एक आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर एक आप एक रेगुलर खरीद सकते हैं. रेगुलर मतलब एक मिडलमैन इन्वॉल्व होगा. हर म्यूचुअल फंड के एटलीस्ट दो, देर आर टू स्कीम्स, वन इज डायरेक्ट स्कीम, वन इज रेगुलर स्कीम. सेबी ने ये मैंडेट कर दिया, ये रूल बना दिया है कि हर म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट और रेगुलर दो स्कीम चलानी पड़ेंगी. रेगुलर वो होती है जिसमें मिडलमैन होता है, मतलब एक एजेंट होगा, वो आएगा आपका फॉर्म भरेगा, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएगा, तो उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट का उस मिडलमैन को जाता है. लेकिन डायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट स्कीम होती है हर म्यूचुअल फंड की, उसमें आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं या उनके ब्रांच में जाके पेपर भर सकते हैं. बेसिकली डायरेक्ट में कोई मिडलमैन नहीं होता, तो उसका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम होता है. किसी भी फंड में आप जाएंगे तो उसकी डायरेक्ट स्कीम का और उसके रेगुलर स्कीम के एक्सपेंस रेशियो में हमेशा काफ़ी डिफरेंस होता है, और लॉन्ग टर्म में वो डिफरेंस बहुत मैटर करता है. तो आपको हमेशा ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, और जो भी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करें उसके डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट करना है. दूसरी चीज़, आपको ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जिसकी थोड़ी 10 साल की हिस्ट्री है, मतलब जो कम से कम 10 साल से चल रहा है. जो नए नए फंड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री नहीं है. ये पहला क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड, ऐसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करिए जिसमें कि जिसकी कम से कम 10 साल की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है. 10 साल में नॉर्मली एक पूरी साइकिल पूरी हो जाती है, एक क्रैश और एक बुल मार्केट आता है. तो 10 साल में क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड जो है उसने इट हैज़ एक्सपीरियंस द होल साइकिल ऑफ द मार्केट, एंड देन यू नो दैट इफ दैट म्यूचुअल फंड हैज स्टिल सर्वाइव फॉर 10 ईयर्स, दैट मीन्स उसमें कुछ है. तो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री आपको देखना है 10 साल की. तीसरी चीज़ आपको ये चेक करना है कि उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए. बहुत नॉर्मली 2% 2.5% एक्सपेंस रेशियो होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जिनका 2% से कम भी है. इनफैक्ट कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जो 1% 1.25% भी चार्ज करते हैं. मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डेट फंड की बात नहीं कर रहा हूँ. डेट फंड जो होते हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फिक्स्ड इनकम होते हैं, उसमें रिटर्न्स भी कम होते हैं लेकिन उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है. मैं इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूँ. इक्विटी फंड्स में नॉर्मली कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनका 1% 1.25% से लेकर 1.5% भी, और कुछ फंड्स हैं जिनका 2.5% भी होता है, 3% तक भी होता है. तो ऐसा फंड सेलेक्ट करिए जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम हो. चौथी चीज़ आपको ये चेक करना पड़ेगा फंड, म्यूचुअल फंड में, कि देर इज़ समथिंग कॉल्ड चर्न रेशियो. मतलब हर साल म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, वो आपके पैसे लेगा, उससे स्टॉक बेचेगा और खरीदेगा. तो अगर कोई स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा है या उसको लगता है कि स्टॉक अच्छा नहीं, तो उसको बेच देगा, उसकी जगह नया खरीद लेगा. लेकिन अगर कोई फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स खरीद रहा है और बेच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा, वो एक तरह से ट्रेडिंग कर रहा है. तो और उस ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा खरीदते और बेचते हैं उसमें देर इज़ अ ट्रांजेक्शनल कॉस्ट. एवरी टाइम यू सेल अ स्टॉक एंड बाय अ स्टॉक, देर इज सम अमाउंट विच गोज़ टू द स्टॉक ब्रोकर, सम अमाउंट विच गोज़ टू द टैक्सेस. तो जितना ज़्यादा आप चर्न करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, टर्नओवर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिटर्न्स कम होते जाते हैं.
और अगर कोई तो चर्न रेशियो को वो परसेंटेज में दिखाते हैं, तो अगर इफ किसी किसी फंड का चर्न रेशियो 100% है, इसका मतलब एक साल के अंदर उसके उसके स्टॉक उसके पोर्टफोलियो में, फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स थे उसने सारे के सारे स्टॉक्स चेंज कर लिए, मतलब 10 स्टॉक थे तो 10 के 10 बेच दिए और नए 10 खरीद लिए, दैट इज़ अ चर्न रेशियो ऑफ 100%। तो टिपिकली यू शुड लुक फॉर चर्न रेशियो ऑफ एनी वेयर बिटवीन 10 to 20%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर उससे ज़्यादा है, इसका मतलब फिर वो फंड मैनेजर डजन नो वॉट ही इज़ डूइंग, ही इज़ जस्ट ट्रेडिंग थिंग्स, ही इज जस्ट बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स इंस्टेड ऑफ रियली इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। पांचवी चीज आपको ये चेक करना है, स्किन इन द गेम। नसीम तालिब की नई बुक आई है स्किन इन द गेम, बट बेसिकली आइडिया ये है कि जो फंड मैनेजर, तो जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, अगर किसी डॉक्टर ने आपको कुछ दवाई प्रिस्क्राइब किया या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया है, अगर वो खुद आपकी जगह होता तो क्या वो वही दवाइयाँ या वही मेडिकल ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब करता? अगर वो आपके बच्चे के लिए कोई एक दवाई लिख रहा है, कोई मेडिसिन लिख रहा है, तो अगर उसका खुद का बच्चा अगर बीमार होता, सेम प्रॉब्लम होती, तो क्या वो खुद के बच्चे को सेम दवाई देता? अगर देता, इसका मतलब ही हैज़ अ स्किन इन द गेम। सिमिलरली फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इट्स एक्सट्रीमली रेयर कि जो फंड मैनेजर होता है उस वो जो फंड चला रहा है उसी फंड में उसने अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, बहुत कम होता है ऐसा। बोलते हैं ना कि ईटिंग योर ओन कुकी, तो आप जो चीज़ दूसरों को दे रहे हैं आप खुद भी वही खा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्किन इन द गेम। और आखिरी चीज़ आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो फंड मैनेजर है किसी भी फंड में, तो हमने कहा कि ऐसा फंड चूज़ करिए जो कम से कम 10 साल की जिसकी ऑपरेटिंग हिस्ट्री हो, तो वो फंड मैनेजर ऐसा नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं है कि 10 साल की ऑपरेटिंग हिस्ट्री है लेकिन उसके अंदर 5 फंड मैनेजर चेंज हो चुके हैं। तो मतलब ये तो वही बात हुई कि ये कंपनी है जो हर 2 साल में अपना नया सीईओ हायर करती है, इनको खुद नहीं पता क्या चल रहा है। तो गो विद अ फंड विच हैज़ अ लॉन्ग ऑपरेटिंग हिस्ट्री एंड वेयर द फंड मैनेजर हैज़ बीन विद द फंड, दैट फंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनफैक्ट 70s, 80s, 90s के समय जब म्यूचुअल फंड्स आना शुरू हुए थे US में, तो फंड जो था वो फंड मैनेजर के नाम से जाना जाता था कि ये फंड मैनेजर है, उसने ये फंड चलाया 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, लोग 30-30 साल तक एक फंड को एज अपनी खुद की कंपनी की तरह चलाते थे दे। लेकिन आज आज वो चीज़ बहुत कम हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कॉरपोरेटाइजेशन हो गया, फेसलेस कॉरपोरेट्स हो गए। ICICI बैंक का फंड है, HDFC बैंक का फंड है, लेकिन उस फंड का मैनेजर कौन है पता नहीं, बहुत कम आपको, आप जाके पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन आज कोई है अगले साल कोई और है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे तब म्यूचुअल फंड सही है। वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो रिस्क आती है ऐसा काम करने से जो आपको पता नहीं, जो आपको जिसकी आपको समझ नहीं है अच्छे से। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्टडी करना ज़रूरी है। आपका पैसा है, आपने आपकी हार्ड अर्न मनी है, यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट इट स्टेज सेफ। ऐसा बोलते हैं ना कि रिटर्न ऑन कैपिटल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल, मतलब आपके पैसे पे जो रिटर्न आएगा वो तो एक चीज़ है, लेकिन आपका पैसा खुद रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले ये इंश्योर करना है कि आपका पैसा आप जहाँ डाल रहे हैं वो सेफ है, उसके बाद यू हैव टू वरी अबाउट द रिटर्न्स। सो म्यूचुअल फंड सही है गिवन दैट यू डू यूर प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी एंड गिविंग सम टाइम इन एजुकेटिंग यूर सेल्फ अबाउट हाउ मनी वर्क्स, हाउ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री वर्क्स। थोड़ा सा तो बेसिक नॉलेज आप सभी को होना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सभी को होना चाहिए। सो दैट्स वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। थैंक यू।